Hello, welcome back to my channel. This is the AnyApp Creative. So this is the another Photoshop tutorial. Today I'm going to show you how to make 3D photo editing in Instagram. So let's get started. तो मैंने यहाँ पे दो पिक्चर लिया है जो कि फ्री नो कॉपीराइट है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ये एक्चुअली मेरा ही इंस्टाग्राम का आईडी है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फाइल लेके रखा है जो कि इंस्टाग्राम फाइल साइज है। फाइल साइज 1300x1080 है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिक्चर लेके रखा है। ये एक लेडी है और वन मोर लेडी है, जस्ट लाइक देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर लिया है और ये पिक्चर मैंने डाउनलोड किया है फ्री पिक से। अगर आपको पिक्चर यूज करना है तो वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, नो कॉपीराइट है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, तो इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ और फर्स्ट मेन और कर लेते हैं पहले स्क्रीनशॉट में। लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कैसे किया है मैंने इसको, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग को भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। कैसे किया है आपको बताने वाला हूँ, रुक गए, वीडियो को एंड तक देख देना तब आपको पता चलेगा कि कैसे यूज करना है। आपका स्क्रीनशॉट का कॉपी ले लेना है एक कंट्रोल जे करते हुए। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, सिलेक्शन में जाना है, रेक्टेंगल मार्च यू टूल यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल इसको ड्रॉ करना है। अगर आपको ऐसा ड्रॉ करने में इजी नहीं लगता तो मैं इसको सिंपली मेरा इससे जितना हो सकता है मैं सेलेक्ट करता हूँ। बट को अगर सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो जूम कर लीजिए और इसका अंदर क्लिक करते हुए आप यहाँ पे ट्रेक्शन में जाने के बाद आपको शिफ्ट को होल्ड करते हुए करना पड़ेगा, वरना अदल बदल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसा शिफ्ट प्रेस किया है। आप शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, होल जा रहा है। तो इसको हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मली यही था, तो इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए नीचे प्रमोट चैनल को हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। और यहाँ पे कुछ हॉटस्पॉट दिखा रहा है, एक्चुअली मैंने डिजाइन के लिए ही डाला रखा है वहाँ पे। इसको क्या करना है हम लोग को, राइट क्लिक करना है और इसके बाद क्या करना है हम लोग को ए पार्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको कट आउट इसको फेंकने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन में जाने वाला हूँ और इन्वर्ट कर देता हूँ। इन्वर्ट करने के बाद ऑपोजिट सिलेक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, रिमूव हो चुका है। ये सिर्फ रिमूव हो चुका है और इसका नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को इसको ड्रैग एंड डाउन करना है आपका इंस्टाग्राम फाइल साइज में। ये हम लोग को इंस्टाग्राम फाइल साइज में ही कस्टमाइज करना है। अगर आप किसी भी और दूसरे फाइल साइज में करोगे तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है जो कि इसका क्वालिटी इधर उधर ना हो, मतलब पिक्चर में मत जाए इसके लिए। तो मैं यहाँ पे एक करने वाला हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंस लेने वाला हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडियंस यहाँ पे भी है। और यहाँ पे विंडो में जाते हुए आप तो में क्लिक करिए और यहाँ पे देख सकते ग्रेडियंस यहीं पे है, तो यहाँ पे भी क्लिक करके ले सकते हैं। बट अभी ग्रेडियंस का बहुत अपडेट्स आया है, तो ग्रेडियंस टूल का बारे में अगर पता नहीं है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां से आपको बता दूंगा कैसे यूज करना है। मोस्टली मैंने बता तो दिया है लेकिन एक टोन इफेक्ट में मैंने बताया है, बट आप फिर भी चाहिए तो कंप्लीट मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ग्रेडियंस टूल निकाल लिया है यहाँ पे, इसमें सिंपली ब्लू भी नहीं रखने वाला हूँ। यहाँ पे पर्पल दिख रहा है आप लोग को, मैं यूज कर रहा हूँ ताकि डार्क लगे ऐसा ही। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने, तो एज ए सिंपली अभी क्या करना है हम लोग को यहाँ पे इसको ग्रेडियंस को भी हम लोग लॉक कर देते और कुछ भी छेड़ना नहीं है और इंस्टाग्राम को थोड़ा सा कस्टमाइज कर देना है थोड़ा सा आपको कैसा लगे। और मैं खुद वीडियो मतलब मैं आपको दो फोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ए इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है मैंने, तो आपको इस पिक्चर में क्या करना है मैं इसमें सिर्फ सिंपल बताऊंगा जो कि मैंने सिखाया है आप लोग को।
तो स्टेप फॉलो करना और वीडियो को एंड तक देख देना। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आपको कैसा चाहिए साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप करने वाला हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सिंपली 3D, मतलब स्ट्रेट 3D, 2D भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग 3D कॉल करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट रखा है ऑब्जेक्ट को। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा ड्रॉप लेंगे, मतलब कि शैडो लेंगे रियलिस्टिक लगने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक और लेयर लेने वाला हूँ और इसको मैं डाउन लेके आने वाला हूँ, लेयर को डाउन लेके आने वाला हूँ। और इसका मैं नेम क्रिएट करने वाला हूँ शैडो बोल के, SHADOW शैडो। तो उसके बाद सॉरी ये लेयर को डिलीट कर देता हूँ और शैडो लेयर को नीचे रख देता हूँ, सब्जेक्ट का नीचे। और शैडो मैं आर्टिफिशियल तरीके से नहीं करने वाला हूँ, सिंपली मैं जैसा ड्रॉप करता हूँ वैसा ही ब्रश टूल यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे ब्रश टूल में जाने वाला हूँ और यहाँ पे कलर चूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं और ब्लैक ही चूज करता हूँ, ग्रे भी यूज कर सकते हैं आप। और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए शैडो को, कि यहाँ पे हील्स है, इसके लिए हील्स में प्रेशर रहता है तो शैडो दिखना ही चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा शैडो डाल दिया है और प्लस और साइज देते हैं। तो उसके बाद राइट क्लिक करते हुए इंटर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद इसका थोड़ा सा ओपासिटी डाउन कर देते हैं हम लोग। मैं इसका ओपासिटी मैक्सिमम 60 रख देता हूँ, 60 बेटर रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। और मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा कुछ इसमें कर कुछ यूज करूंगा, इसको ब्लॉक कर लॉक कर देते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा पे देख सकते हैं UV एंड सैचुरेशन यूज करने वाला हूँ, सिंपली जो बेसिक मैंने सिखाया आप लोगों को कलर चेंजिंग। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, मैं इसमें थोड़ा सा कलर कुछ बैकग्राउंड से मैचिंग कलर डालने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड से मैच हो रहा है कलर। सो सिंपली इसमें मैं बता रहा हूँ और मैं नेक्स्ट उसमें आपको फिर से बताने वाला हूँ इसी पिक्चर में। तो हो गया, फिर से मैं इसी स्क्रीनशॉट में फिर दूसरा 3D में फोटो, 2D इसको 2D बोल सकते हैं, मैं दूसरा 3D आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ही बैकग्राउंड लेके रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पुराना पिक्चर को मैंने हटा दिया इसी में से और नेक्स्ट पिक्चर में जाएंगे। देख सकते हैं मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और ऑलरेडी मैंने कितना सारा बैकग्राउंड रिमूविंग का वीडियो डाला है। अगर आपको पता नहीं है तो आई बटन पे राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा, वहां पे क्लिक कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। तो पिक्चर को यहाँ पे लेके जाते हैं, तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं। सो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देता हूँ। अगर आप लोएस्ट क्वालिटी वाला कुछ भी फोटो यूज कर रहे हैं तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना फर्स्ट, कुछ भी काम करने से पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देना। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, मैं जब भी साइज इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे पिक्सल पे फट के आ रहा है, क्वालिटी थोड़ा सा कम होके आ रहा है। तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर दीजिए और राइट प्रेस कर दीजिए, वहां पे देख सकते हैं। तो हम लोग को इसको नीचे लेके जाना है, नीचे स्क्रीनशॉट बैकग्राउंड इंस्टा का स्क्रीनशॉट है उसका नीचे लेके जाना है। और यहाँ पे आपको मेरा फॉलो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे मैं ट्रिक से यूज कर रहा हूँ, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना हो जैसा हम लोगों ने उसको पिक्चर को बड़ा किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे लेके आते हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे, और इसको सर्कल पे रख देते हैं और फिर से इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको राइट क्लिक करते हुए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और डाउन करते हैं, थोड़ा और लेके आते हैं। और स्टेप हम लोग का क्या करना है, फिर से हम लोग को स्क्रीनशॉट में जाना है। स्क्रीनशॉट में जाने के बाद हम लोगों ने ऊपर किया था, तो इसको हम लोग छोटा करेंगे नीचे तरफ।
इसको थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा लम फिक्स स्लाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर लीजिए फर्स्ट, तो कंट्रोल को होल्ड करते हुए आप फोटो को खींचिए और यहाँ तक लेके आइए जहाँ तक स्क्रीन आ रहा है वहाँ तक ऑडियंस एंड तक। तो इसको थोड़ा सा आपको केयरफुल्ली करना है, आप टाइम ले लीजिए थोड़ा सा, मैं इसको वीडियो को फास्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है इसको, और नेक्स्ट स्टेप है हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें मैचिंग जैसा कुछ इफेक्ट टाइप का लगाने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको देख सकते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ आपका ब्रश के बारे में पहले ही बता देता हूँ। अगर ब्रश यूज करना है तो आप बी प्रेस करके ब्रश यूज कर सकते हो, एक्स प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट चेंज होता रहता है। तो इसके लिए अगर आप सब्जेक्ट में क्लिक करोगे ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो कंट्रोल होल्ड करोगे तो आपका सिलेक्शन होके आएगा, सिलेक्शन होके रहता है तो इसको डीसेलेक्टेड कर देते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करने से डीसेलेक्टेड होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रीन शॉट है, तो स्क्रीन शॉट में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मास्किंग पे जाइए और मास्किंग हो जाएगा, और हम लोग को उसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे इसको फिर से सेलेक्ट करना है, लेयर पे कंट्रोल प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मास्किंग पे जाना है और ब्रश टूल यूज करना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया है कि सिलेक्शन हो गया है, और उसके बाद हम लोग को ब्रश टूल यूज करना है तो बी प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेंट कर सकते हैं, ये अंदर हो रहा है एक्चुअली, अभी सिलेक्शन इनसाइड हो रहा है, आउटसाइड भी होता है कैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे सिलेक्शन पे जाइए, यहाँ पे इनवर्ट का ऑप्शन आता है, ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हैं इनवर्ट करने से आपको क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं बाहर आउटर सिलेक्शन होगा, कलर भी चेंज होगा। एक्सप्रेस करेंगे तो आप पे देख सकते हैं कि पहले जैसा ही हो गया है। तो क्या करना है हम लोग को, फिर से यहाँ पे सिलेक्शन पे जाना है, इनवर्ट करना है, इनवर्ट करने का मतलब इधर सिलेक्शन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक्सप्रेस करना है आपको और परफेक्टली सिलेक्शन करना है, अंदर ही सेलेक्ट होता है इससे, यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्लोली कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको केयरफुली करना है, अगर आपको कितना पार्ट रखना है आपका हिसाब से रख लीजिए। मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए थोड़ा सा और लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को इतना दिखाना है कि इतना तक आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है सिंपली, यहाँ पे मैंने ले लिया है इसको, एडजस्ट कर लिया है ब्रश टूल से, अंदर भी कर दिया है, इन्हें थोड़ा क्रिएटिव दिख रहा है। उसके बाद डीसेलेक्टेड करना है तो कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, सेलेक्टेड होगा। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रियलिस्टिक लगाने के लिए यहाँ पे शैडो ड्रॉप करना होगा, तो इसमें ड्रॉप शैडो कर रहा हूँ, देख सकते हैं सिंपल है, आप भी नहीं करना है, सिर्फ थिंक करना है और बनाना है आप लोग को। तो यहाँ पे ब्लैक ही लेने वाला हूँ, ग्रे लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रे ही ले लेता हूँ, एक्चुअली इसमें बहुत वो दिख रहा है। ग्रे लेने के बाद आप साइज थोड़ा सा कम कर लीजिए, और इसको पे अगर क्लिक नहीं किया है तो एंटी पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। और डिस्टेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट तो आपको ओपेसिटी फुल रखना है, पे अगर ओपेसिटी फुल रखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा आपका शैडो किधर जा रहा है, किधर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं एंगल बाहर आ गया है, तो मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, 90 डिग्री में ही रखने वाला हूँ, 98 हो गया, कुछ मसला नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे नॉइस आप देख सकते हैं बड़ा भी घटा, नॉइस आप छेड़छाड़ी मत करना, जीरो ही में रहने देना। और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस, आप डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, कहाँ तक आएगा आप यहाँ पे डिस्टेंस 12-15 का अंदर ही रखना है, मैं यहाँ पे 12 ही रख रहा हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 20 रख दिया है, और इसका ओपेसिटी थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर दीजिए, और इसमें लगेगा कि कुछ सॉफ्ट आ रहा है। अगर आपको यहाँ से कलरेंस चूज करना है तो यहाँ पे जाके भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कप जैसा कुछ दिखाया है, बट इसमें का कुछ काम नहीं है सिंपली। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करना है, ओके प्रेस करने के बाद फिर से हम लोग 3D फोटो तो हो चुका है, बट इसमें 3D जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये पीछे का
लाइनिंग्स नहीं मैचिंग हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें भी हम लोग मैं इसमें भी थोड़ा सा शैडो क्रिएट करने वाला हूँ, जस्ट लाइनिंग लाइनिंग जैसा शैडो करने वाला हूँ। तो इसमें जाते हैं और आउटर ग्लो डाल देते हैं, शैडो आउटर ग्लो डालने से आउटसाइड में लाइनिंग जैसा दिखेगा। इसमें जाते हैं और इसमें मैं ब्लैक ही यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा हो रहा है। तो इसमें मैं नॉर्मली है तो इसमें 20 से 25 तक रख लीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे कुछ मसला नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आप तो यहाँ पे जाके फिर से कुछ करते हुए पे देख सकते हैं, तो डिक्रीज कर सकते हैं, तो कंट्रोल जे करके बैक कर सकते हैं, एक्स प्रेस कर लीजिए और इसको थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे आर भी लेके आ सकते हैं। अगर आपको कलेक्शन इन्वर्ट करके करना है तो आपको मैंने बता दिया है पहले, जैसे ही आप कर सकते हैं यहाँ पे पहले से बेटर लग रहा है अभी पिक्चर। इसको ब्लैक हटाना है तो आप यहाँ पे शैडो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देख सकते हैं फिर से शैडो में जाएंगे हम लोग, पे डबल क्लिक करोगे तो इफेक्ट में जाके आपको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिए मिलाई देगा, और थोड़ा सा ओपेसिटी इसमें नहीं है, इसमें नहीं जाना है हम लोग को। तो इसमें जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको करना है, फोटो दिखाया है, आप लोग इससे भी बहुत क्रिएटिव बना सकते हो, सिर्फ आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि 3D होता क्या है, और 3D सिंपली कहने में होता है और इफेक्ट उसमें ऐड होते हुए तब दिखाई देता है, कैमरा ऐसा लगता है कि फोटो अलग है। तो होप अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, अगर पसंद आया तो शेयर भी कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ऐसा ही क्रिएटिव वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग मैं पे इंट्रो डालता रहता हूँ, तो आपको आपको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक्स में क्या एडिटिंग होने वाला है, से आप देख सकते हो। जो मैंने फर्स्ट एडिटिंग किया था उसमें अगर आपको ऐसा ही कुछ इफेक्ट मतलब कि आप कुछ एक्सटेंशन करना है तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर ये फर्स्ट वाला ने एडिटिंग किया है तो आपको सेम उसी तरीके से आपको इसमें स्क्रीनशॉट को कुछ एक्सटेंशन बढ़ाना है घटाना है तो आप भी कर सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक्सटेंशन करने से कैसा दिखेगा। इसको भी मैं लंबा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ बाहर, आउटलाइन लेके आ जाता हूँ, और थोड़ा सा इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको भी आउट ले लेता हूँ, तो आपके पास ऐसा होके आएगा। आप जैसा मर्जी आए बना सकते हैं, मैं इतना ही दिखाना चाहता था इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट फोटोशॉप ट्यूटोरियल। तो बाय गाइज।